गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का आज के सेशन में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बैंकिंग ज्ञान केंद्र की तरफ से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है और बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। गुड इवनिंग सुनील जी, लोकेश जी। आज का जो आपका सेशन जो है वो उसके लिए हम आपके साथ आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक नई फैकल्टी आपके लिए हम लेके आए हैं। उनके साथ आप जो है एक नया टॉपिक तो सीखेंगे ही सीखेंगे, बाकी आपको जो हमारे हमारे साथ जो नई फैकल्टी जुड़ी हैं उनका उनका पढ़ाने का तरीका, उनके एक्सपीरियंस के साथ आपकी तैयारी और दुरुस्त हो जाएगी। सभी लोगों को गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग। तो मैं वेलकम करूंगी मुस्कान जी को कि आए और वो आज का सेशन का जो है हैंड ओवर ले। और आप सभी लोग जो है बिल्कुल ध्यान से आज का सेशन करिएगा और मैम आपको बहुत ही अच्छे से, और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ओवर टू यू मुस्कान जी, वेलकम टू आवर बैंकिंग ज्ञान केंद्र ग्रुप। और आप हमारे सभी साथियों की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अर्चिता मैम। हाई एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग मी इन द सेशन। आई एम ग्लैड टू बी इन फ्रंट ऑफ ऑल यू गाइस। मैं आपको अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम मुस्कान टेबरे है और मुझे 7 वर्षों का ज्ञान है। पिछले कॉर्पोरेट्स में काफी अंडरस्टैंडिंग रही हूँ। मैं काफी लंबे समय से कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर रही हूँ और रिसेंटली मैंने बैंकिंग ज्ञान केंद्र को ज्वाइन किया है। आई एम वेरी हैप्पी टू ज्वाइन ऑल ऑफ यू गाइज एंड आई बिलीव दैट मैं आपको सबसे ज्यादा जो भी मेरे एक्सपीरियंस है उसके साथ शेयर करके आपको ट्रेन कर पाऊंगी और आपका जो एग्जामिनेशन है जो अपकमिंग वो बहुत बेहतरीन तरीके से जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज। सभी लोग आपको वेलकम भी कर रहे हैं चैट में, सभी साथी आपका वेलकम भी कर रहे हैं। अब आप सभी लोगों के से मैं विदा लूंगी। अगेन वेलकम मैम, और ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। आज का सेशन आपका बहुत ही फ्रूटफुल होगा, तो बी पेशेंट एंड थैंक यू सो मच। Thank you so much. Yes, thank you so much, everyone. Now I would be starting my screen and do let me know अगर आपको कहीं पे भी translation की जरूरत है. I would be more than happy to explain each and every perspective which can be possible from my end. So I'm presenting my screen now. Do let me know अगर मैं आपको अच्छे से audible हूँ और आप मुझे देख पा रहे हैं और अगर आप मेरी presentation को देख पा रहे हैं. Give me a thumbs up. आई होप मेरी स्क्रीन आप लोगों को अवेलेबल है, प्रेजेंटेशन दिख रही होगी. सुपर सुपर, थैंक यू सो मच जी. तो आज का जो सेशन है वो काफी एक्साइटिंग है क्योंकि ये मेरे लिए भी ऑल टुगेदर एक न्यू एक्सपीरियंस है जहाँ पे आई वुड बी इंडल्जिंग माई सेल्फ इन टू एथिक्स एंड अंडरस्टैंडिंग द बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ आई एम टोटली ऑडिबल टू यू एंड आई एम विजिबल टू यू. यस, प्लीज गिव मी अ थम्स अप फॉर द कंफर्मेशन. एम आई ऑडिबल? हेलो. थैंक यू सो मच नरेंद्र जी, मनीष जी, शैलेंद्र जी, प्लीज कंफर्म करेंगे कि क्या मैं आपको क्लियरली दिख रही हूँ, मेरी आवाज आपको क्लियरली आ रही है और मेरी प्रेजेंटेशन आपको दिख रही है. ओके, सो आई एम अज्यूमिंग दैट एवरीवन इज एबल टू हियर मी, एवरीवन इज एबल टू लुक एट मी क्लियरली. तो आज जिस बारे में हम डिस्कशन करेंगे जो टॉपिक है वो काफी इम्पोर्टेंट है, विच इज एथिक्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. और ये एक स्पेशल सेशन है जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, काफी इम्पोर्टेंट होगा. एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है जो मैंने देखा है कि किसी भी कॉर्पोरेट में, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक्चुअली उसके वैल्यूज और बिजनेस एथिक्स को बहुत अच्छे से समझें. लेट मी मूव फॉरवर्ड विद द ऑब्जेक्टिव. तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर रहेगा जो आज हम डिस्कशन करेंगे, जिसके बारे में जिसमें हम ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे, एक्चुअली वैल्यू और एथिक्स होते क्या है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, एक्चुअली ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिजनेस वैल्यूज क्या होते हैं,
ऐसे मिथक हैं जो हमें बताए जाते हैं बिजनेस एथिक्स के कारण होते हैं, और ऐसी कौन सी सच्चाई है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्हेन वी आर एक्चुअली फॉलोइंग अप विद द बिजनेस एथिक्स? हम ऑल्सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द डेफिनेशंस, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस जो हम बिजनेस एथिक्स में डे ऑन डे बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं. हम समझेंगे कि बिजनेस एथिक्स के प्रिंसिपल क्या होते हैं, वो कौन सी फिलॉसफी है, और वो किस महत्वपूर्ण इंसान ने वो फिलॉसफी हमें दी है ट्रस्टीशिप की. हम बिजनेस एथिक्स की प्रैक्टिसेस समझेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, और हम एथिकल क्राइसिस भी समझेंगे. आई एम बिजनेस एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वॉट इज ऑक्सीमोरन. ऑक्सीमोरन, किसी ने पहले ये वर्ड सुना है ऑक्सीमोरन? एनी वन हु कैन रेज योर हैंड एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी आइडिया वॉट इज ऑक्सीमोरन. ठीक है, तो बेसिकली ऑक्सीमोरन क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे. हम जानेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का प्री क्राइसिस स्टेज क्या होता है, वो क्राइसिस सिचुएशन कैसी होती है, उसके बाद जो पोस्ट क्राइसिस सिचुएशन होती है वो क्या होती है, और बिजनेस एथिक्स एक्चुअली ऑक्सीमोरन है या नहीं. हाँ जी, ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे डिस्कशन का? आज हम क्या समझेंगे, आज हम किसके बारे में बात करेंगे? हम एक्चुअली समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है एथिक्स के और वैल्यूज के, और एक्चुअली एथिक्स और वैल्यूज होते क्या हैं. किसी को आइडिया है डिफरेंस क्या होता है एथिक्स और वैल्यूज में? इफ यू कैन रेज अप योर हैंड एंड गिव मी अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग कि आपके बारे में आपको क्या लगता है कि बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, वैल्यूज क्या होते हैं, और ये एक दूसरे से अलग क्या क्यों है? ठीक है, परफेक्ट. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट पार्ट ऑल्सो. हम समझेंगे कि बिजनेस एथिक्स और वैल्यू के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, वो कौन से मिथक होते हैं और क्या रियलिटी होती है. बाय एंड ऑफ द सेशन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेस एथिक्स. ऑल्सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द हाउ टू एक्चुअली ओवरकम विद द एथिकल क्राइसिस, उससे बाहर एक्चुअली हम कैसे निकल सकते हैं. हाँ जी, तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये इंट्रोडक्शन है क्या, या हम किस बारे में एक्चुअली बात करना चाहते हैं, वो कौन सा एथिकल प्रैक्टिस होता है, या एथिकल प्रैक्टिस एक्चुअली एक सिंपल लैंग्वेज में या एक हिंदी लैंग्वेज में होता क्या है? तो ये वो नैतिकता पूर्ण व्यवहार होता है जिसका पालन हमें व्यापारिक नैतिक संकट की स्थितियों को पार कर सकता है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बी इट पर्सनल, बी इट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बी इट कॉर्पोरेट, आपको वो किस स्थितियों से पार कर सकता है, और व्यापार की एक्चुअली प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बनाए रख सकता है, इस बारे में हम समझेंगे. और बिजनेस एथिकल एक्चुअली इसके 360 डिग्री ही घूमता है. नैतिकता एक्चुअली व्यवसाय उद्योग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण या वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जो हर एक एक्चुअली अर्थव्यवस्था को या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मजबूती प्रोवाइड करता है, या मुख्यांश होता है उसका, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो फर्स्ट फर्स्ट रो में हम बोल सकते हैं कि आता है. बैंकिंग क्षेत्र में एक्चुअली विश्वास योग्यता का बहुत इंपॉर्टेंस है. तो व्हाट इज एक्चुअली विश्वास योग्यता? ट्रस्ट वर्थीनेस. ठीक है, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी सेक्टर हो, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट बैंकिंग सेक्टर, इन फंक्शन में की प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डाइवर्सिफाई करने के लिए, जैसे कि ट्रस्ट वर्थीनेस. ओके, देयरफॉर फॉर द बैंकिंग प्रोफेशनल इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल जस्ट लाइक यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट, रिस्पॉन्सिबल एंड हैव अ एक्सीलेंट लीडरशिप क्वालिटी. बेसिकली ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी होती है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, कहीं पे भी अगर आपने देखा होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कभी भी कोलैप्स होते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वो हमारी इकोनॉमी में पड़ता है. इसलिए नैतिकता पूर्ण व्यापार बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर दोज लीडरशिप who are responsible to handle and manage their entire team just the way you guys are going to do in your future. Now let us move forward towards the next slide.
हाँ जी, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि बिजनेस वैल्यूज एक्चुअली क्या होते हैं, उनका कोर क्या होता है, एंड ऑल्सो हम समझेंगे कि मैरियम वेबस्टर क्या है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत नया भी है कि मैरियम वेबस्टर एक पब्लिशर है जो अमेरिकन अमेरिका का बहुत बड़ा पब्लिशर है, जिन्होंने हमें एक डेफिनेशन दी है एथिक्स के बारे में। तो बेसिक वैल्यूज आर दोज जो किसी भी इंसान की बेसिक वैल्यूज होती हैं, जो दर्शाती है कि वो इंसान है, वो बीइंग अ ह्यूमन। वैल्यूज आर स्टेबल, ये एक लंबे टर्म के लिए होती है, स्टेबल होते हैं। हर एक इंसान की लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट एथिक्स होते हैं, डिफरेंट वैल्यूज होते हैं, बट जब हम किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो क्वालिटीज एक्चुअली उस इंस्टीट्यूशन में हो जिससे प्री क्राइसिस स्टेज में बचा जा सके। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैरियम वेबस्टर एक पब्लिशर है अमेरिका का, जिन्होंने हमें कुछ डेफिनेशन दी हैं जिससे हम बहुत इजी तरीके से या बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि बेसिक वैल्यूज और एथिक्स क्या होते हैं और वो क्यों इंपॉर्टेंट है। द डिसिप्लिन डीलिंग विथ वॉट इज गुड एंड बैड, विद द मोरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। सो वेर एवर वी आर एक्चुअली डीलिंग विद एनी ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज इन आर लाइफ ऑल्सो, हम एक डिसिप्लिन लाते हैं किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए, चाहे वो गुड हो या बैड हो, अच्छा हो या बुरा हो, मोरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस के साथ हम एक डिसिप्लिन के साथ एक सिचुएशन को हैंडल करते हैं, चाहे वो जैसी भी सिचुएशन हो। ऐसा कहा है मरियम वेबस्टर ने, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अमेरिकन पब्लिशर है। इसके साथ दे हैव ऑल्सो एक्सप्लेन अ सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स। दिस इज बेसिकली अ थ्योरी, एक डेफिनेशन प्रोवाइड की है, विच इज द सिस्टम एंड द मोरल वैल्यूज। द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टिंग गवर्निंग एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज बिजनेस एथिक्स। सो एथिक्स इन अ नटशेल इज अ सेट ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स, जो ऐसे स्टैंडर्ड्स या ऐसे वैल्यूज होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी एंड गाइडेंस ह्यूमन बिहेवियर, इट एक्चुअली होल्ड पीपल फ्रॉम टेकिंग अप दैट डिसीजन। वो ऐसे डिसीजन लेने से बच जाते हैं उन वैल्यूज और एथिक्स के कारण जो एक्चुअली हार्मफुल होती है किसी भी सोसाइटी। नाउ दीज एथिकल प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल, बीट अमेरिका, बीट यूके, बीट सम अदर कंट्री, इट वुड बी यूनिवर्सल फॉर एवरीवन, सबके लिए वो सेम ही होगा व्हेन इट कम्स टू देयर नेचर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट इन अ सिंपल एंड हिंदी लैंग्वेज। नैतिकता और मूल्य दोनों ही एक्चुअली हमारे आचरण के लिए, हमारी लाइफ को एक डायरेक्शन देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली ये हमें मेक श्योर करती है कि जो निर्णय हम हमारी जिंदगी में ले रहे हैं वो हमें प्रभावित कर सकते हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण मान्यताएं संग्रह कर सकते हैं। इसलिए जो भी हम डिसीजन लें वो हम दो बार सोच के ही लें। ये नैतिकता एक्चुअली हमें अच्छे और न्यायपूर्ण आचरण में मदद करती है, जबकि मूल्य यानी कि वैल्यूज हमें बताते हैं कि हमें क्या महत्वपूर्ण लगता है और कैसे हम अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। दिस इज समथिंग विच वी हैव अंडरस्टूड विद द एंटायर कॉन्सेप्ट विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय अ वेरी अमेजिंग पब्लिशर कॉल्ड मैरियम वेबस्टर। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट where we are going to actually learn about ethics and business value in concept. So business ethics में अगर आप देखेंगे left hand side में वो important factors लिखे हुए हैं जो business ethics को deal किए जाते हैं, business ethics से deal किए जाते हैं ध्यान में रखते हुए, और right hand side में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको business values भी दिखेंगे। Let me try highlighting it for you. If it is actually working, do let me know. Give me a thumbs up. Is it by any chance visible to you guys? Lokesh ji, Bablu ji, Narendra ji, confirm kar sakte hain? No worries. Yes, it's clear. Superb, superb. Thank you so much. Thank you so much, Bablu ji. Business ethics
और बिजनेस वैल्यूज डिफरेंट होते हैं, हम समझ चुके हैं। अब एथिक्स एक्चुअली रेफर करता है गाइडलाइंस को, जो हम कोई भी महत्वपूर्ण काम कंडक्ट करते हैं उसकी जो गाइडलाइंस होती हैं उनको हम एथिक्स बोलते हैं। दैट एक्चुअली एड्रेस क्वेश्चंस अबाउट द मोरालिटी, हमारी मोरालिटी को जो क्वेश्चन करता है। जबकि अगर हम वैल्यूज की बात देखें, बिजनेस वैल्यूज के बारे में बात करें, जो राइट हैंड साइड में हमने लिखा हुआ है पहले स्टेज में, उसमें हम बताते हैं कि वैल्यूज एक्चुअली रेफर्स टू द प्रिंसिपल्स एंड आइडियल्स विच हेल्प्स इन मेकिंग जजमेंट ऑफ वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट। मोरल प्रिंसिपल इन द सिस्टम व्हेन इट कम्स टू बिजनेस वैल्यूज, ये इंड्यूस करता है थिंकिंग। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट बिजनेस एथिक्स एक्चुअली डिफाइन दैट वॉट इज मोरली करेक्ट, मोरली नैतिकता के अनुरूप कौन सी चीज करेक्ट है और कौन सी चीज इनकरेक्ट है, ये सिचुएशन बेस पे हमें डील करने में हेल्प मिलती है जब हम एक्चुअली बिजनेस एथिक्स को क्लियरली समझते हैं। व्हेन इट कम्स टू बिजनेस वैल्यूज, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इट एक्चुअली डिटरमीन और क्लैरिफाई व्हाट वी वांट टू डू और अचीव इन लाइफ। नाउ हियर वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इट एक्चुअली इंडिकेट और मैग्निट्यूड और जूम अप ऑफ राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ वन ऑप्शन, एंड राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो ये इंडिकेट करता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए। नाउ आई होप दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज क्लियर टू अस, आई एम मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। सुपर, सो हियर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, रियालिटी क्या होती है। लेट मी जूम इट अप अ बिट फॉर यू गाइज। ये बाय एनी चांस आप लोगों के लिए जूम हुआ है तो आई होप ये आपको हेल्पफुल रहेगा। बिजनेस एथिक्स एक्चुअली प्रायोरिटाइज करता है मोरल वैल्यूज को किसी भी फर्म में, एंड ऑल्सो ये इंश्योर करता है जो बिहेवियर अलाइंड होता है उस वैल्यूज के इर्द गिर्द। मिथ्स यानी कि मिथक बिजनेस एथिक्स के में क्या होते हैं और उसके जनरल स्केप्टिकल्स क्या हैं अबाउट एथिकल्स फ्रॉम एलिमेंट्री व्यूज और एथिकल डिलेमास। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज मिथ्स। यहाँ पे कुछ मिथ्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, कुछ अराउंड 7 मिथ्स हमने डिनोट किए हैं जिससे आपको पढ़ के एक आइडिया लगेगा कि बिजनेस एथिक्स क्यों ऑक्सीमोरन है, यानी कि इनके जो अर्थ हैं वो एकदम विरोधाभास क्यों है, एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों है, और कौन से मिथक यानी कि कौन से मिथ्स हैं या कौन सी सच्चाई यानी कि रियलिटी है जो बिजनेस एथिक्स में आती है। पहला मिथ है, अ कॉमन मिथ इज दैट बिजनेस एथिक्स मोडिफाइड पीपल बिहेवियर। लोगों को ऐसा लगता है कि जो बिजनेस एथिक्स है वो इंसान को ही बदल देता है। दिस सीम्स टू बी दैट व्हाट दे आर ऑब्स्ट्रक्शन रियलाइजेशन ऑफ देयर फुल पोटेंशियल। इन रियलिटी बिजनेस एथिक्स इज अबाउट मैनेजिंग वैल्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, डाइवर्जेंस बिटवीन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स कैन बी रिजॉल्व। तो लोगों को ऐसा लगता है, ये एक मिथ है या एक मिथक है, कि अगर कोई बिजनेस एथिक्स को फॉलो करता है तो वो इंसान अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर देता है या पेनिट्रेट कर देता है या तो डिमोलिश कर देता है, जबकि सच्चाई एक्चुअली ये है कि वो आपको अपने फुल पोटेंशियल को दिखाने के लिए अवरोध नहीं करता है। सच्चाई ये है कि वो वैल्यूज को मैनेज करने में या किसी भी टीम में या ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जहाँ पे एक टीम मैनेजर दूसरे टीम मैनेजर के साथ ठीक से बिहेव नहीं करता है, या प्रोबेबली जो जूनियर्स होते हैं उनको मैनेज करना होता है जहाँ पे दो लोगों के बीच में इनडिफरेंस आते हैं। अब इस सिचुएशन में आप अपने मोरल्स तो पुट नहीं कर सकते हो, तो आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो बिजनेस एथिक्स होते हैं उसको फॉलो करने होते हैं। तो हमने समझा कि मिथ्स एक्चुअली ये है कि लोगों को लगता है कि पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है जब कोई बिजनेस एथिक्स उनको पेनिट्रेट करता है, जबकि सच्चाई ऐसी है, सच्चाई ये है कि इससे कोई डिफरेंस नहीं आता है किसी भी इंसान के बिहेवियर पे। इंस्टेड वो अपना पोटेंशियल ज्यादा अच्छे से दिखा पाता है, क्योंकि जो विजन होता है वो दिमाग में काफी क्लियर होता है कि किसी भी वैल्यूज को या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करना है, यानी कि किसी भी टीम को कैसे मैनेज करना है। आगे बढ़ते हैं,
सेकेंड मिथ पे, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको बिलीव है द पीपल ऑलरेडी एथिकल एंड डू नॉट नीड टू बी ट्रेन. बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको ऐसा लगता है कि लोगों को ट्रेन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ट्रेन. हाउएवर इन रियलिटी व्हेन फेस्ड विथ कॉम्प्लेक्स एथिकल डिलेमास, ऐसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन जहां पे कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं चीजें एक वक्त के बाद, उन चीजों को मैनेज करने के लिए न्यू मैनेजर्स को या जो पहली बार टीम संभाल रहे हैं उनके लिए सिचुएशन काफी हार्ड होती है मैनेज करने के लिए. इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे चैलेंजेस को इक्वली इम्पोर्टेंट समझा जाए, उनको चॉइस है कि वो एक्चुअली ग्रे एरियाज को टारगेट करके अपना बेस्ट या फुल पोटेंशियल प्रोवाइड करें किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन को. इसलिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या जब आप लोग भी मैनेजर पोजीशन संभालें तो आपके जो भी जूनियर्स हो आप उनको पूरी तरह अच्छे से वेल इक्विप्ड ट्रेन करें जिससे वो अपना 100% पोटेंशियल आपकी टीम को या ऑर्गेनाइजेशन को डिलीवर कर सके. अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं तीसरे मिथ को. पीपल आर ऑल्सो देयर हु डिनाइज दैट बिजनेस एथिकल कैन डिटरमीन हाउ ऑर्गेनाइजेशन शुड डू देयर रूटीन एक्टिविटीज. इट इज कंसिडर्ड एज अ फैड. दिस व्यूज आर ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट इन इनोवेशन इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजर्स इन एथिकल डिसीजन मेकिंग. In reality, business ethics has a lot to do with the daily operations of the organization. So, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे businesses या organizations ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनका routine activities जो होता है वो बिगड़ जाता है business ethics को indulge करने के में अपनी life में. However, ये सच्चाई नहीं है. सच्चाई ये है कि जो बेसिक लाइफ होते हैं या बिजनेस रूटीन्स होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस एथिक्स को इम्प्लीमेंट किया जाए उनके डेली ऑपरेशंस के लिए. फॉर एग्जांपल कितने बजे दिन शुरू होगा, फॉर एग्जांपल कितने बजे दिन खत्म होगा, फॉर एग्जांपल टाइम लंच का कितने घंटों का होगा, हम कस्टमर को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे. एक मेजर आइडिया या गाइडलाइन आपको मिल जाते हैं उन बिजनेस एथिक्स से जब आप उसके बारे में पढ़ते हैं, और उससे आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ या आपकी ब्रांच हुई वो स्मूथली चलती है और वो क्राइसिस में नहीं आती है. इसीलिए हमने अभी समझे हैं टोटल तीन मिथ्स. आगे हम और कुछ मिथ्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. हाँ जी, यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं चौथा मिथ हमें बताया है देयर इज नथिंग नोवल अबाउट बिजनेस एथिक्स इज अ कॉमन बिलीफ. इट इज कंसिडर्ड टू बी ओनली अफर्मिंग दैट we all already know and naturally aspire for. This view ignores that business ethics safeguards the interest of the stakeholder in the absence of ethics and values. An organization cannot ensure that there is no violation of code of conduct. Now, every organization, every branch, every financial institution have their own code of conduct. They do have their own rules, they do have their own regulation, they do have their own starting time, they do have their own closing time. So the people actually think ये जो business ethics होते हैं ये novel होते हैं और ये सबको पता होता है. जबकि अगर हम सच्चाई में देखें या reality को समझें तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान को बहुत अच्छे से पता हो कि उस organization के या उस branch के code of conduct क्या होते हैं और उसके violation बहुत easily हो सकते हैं. So again, I am कनेक्टिंग इट विद द मिथ थ्री विच वी हैव डिस्कस्ड, जहां पे हमने समझा कि क्यों ट्रेनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. नाउ मिथ फिफ्थ इज दैट बिजनेस एथिक्स इज ऑल अबाउट गुड गाइज, फेमिनाइजिंग द बैड गाइज इज अ जनरल परसेप्शन. गुड मैनेजर्स माइट मेक रॉन्ग डिसीजन इन अ सिनेरियो फुल ऑफ स्केप्टिसिज्म एंड एप्रिहेंशन. Ethical culture requires contribution of all the individuals working together in helping everyone to adhere to ethical course of action through ambiguous and stressful ethical dilemmas. So here we understood that people actually think that business ethics is all about penetrating good guys among the bad guys in general perception. However, good managers can say there are also possibilities
that a good manager can take up a wrong decision when it comes to the scenario, which is very tough and full of skepticism. Now, in that situation, it is very important that those individuals or those managers should know the business ethics and the importance of the business ethics to actually contribute their part in any of the organization in their full potential. Now, hence, we are moving towards the myth six, which is ethics cannot be managed in is another myth. In reality, it can be managed mostly indirectly. Prioritizing an organization can indicate the ethics of the organization. It's quite easy and quite simple and understandable. Seventh myth ki taraf badhte hain. Business ethics are deemed as social responsibility. These are deemed as social responsibility. The two are not same. Corporate social responsibility is just one aspect driven by business ethics. लोगों को लगता है कि corporate social responsibility या social responsibility business ethics ही होता है, जबकि business ethics और social responsibility दो अलग अलग situation या दो अलग अलग topic है, जिसको बहुत समझदारी से समझने की जरूरत है. Moving towards to the next slide, here we go. Now we are going to understand business ethics definitions, principles, and according to Adam Smith, in a capitalist economy, both customer and industry coexist for the benefit of each other. Now, on the basis of the statement which has been provided from Adam Smith, we understand capitalist or probably a financial institution, you can take an example of, both customer and industry coexist for the benefit of each other. ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के benefit के लिए ही बनाई गई है. जैसे मैं एक simple language में अगर आपको उदाहरण दूँ, तो ऐसा बोलते हैं कि भगवान के बिना भक्त नहीं होता और भक्त के बिना भगवान नहीं होता. ये दोनों coexist ही इसलिए करते हैं और इनका existence एक दूसरे के लिए बहुत important होता है. Similarly, Adam Smith has spoken up that capitalist economy and both customer industry coexist for the benefit of each other. Ethics actually involves both internal stakeholders like employees as well as external stakeholders jaise ki investors, lenders, customers. Aapne dekha hoga aajkal kafi sara log सोनी पे देख रहे हैं, जहाँ पे एक्चुअली इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की जाती है, जहाँ पे एक्चुअली आप कंपनी के बारे में बताते हैं. तो बेसिकली फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्टेकहोल्डर्स. स्टेकहोल्डर्स आर दोस जिसका जिनका इंटरेस्ट होता है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में. प्रोजेक्ट एज इन इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ स्ट्रॉन्ग स्मॉल प्रोजेक्ट, इट कुड बी अ लार्ज प्रोडक्ट, इट कुड बी अ ऑर्गेनाइजेशन, इट कुड बी एनीथिंग. Now, उसको मैनेज करने के लिए दो तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं, या आप बोल सकते हैं ऐसे लोग जिनके लिए वो प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट होता है. पहले के टाइम पे इसको मैनेजर्स बोला जाता था, अभी स्टेक होल्डर्स बोला जाता है. तो एक तो स्टेक होल्डर्स होते हैं एम्प्लॉयज जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं, और दूसरे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें, जो पैसे लगाते हैं, और कस्टमर भी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में होते हैं, या तो एंड यूजर या एंड कंट्रीब्यूटर के तरह आप समझ सकते हैं. एथिक्स इन बिजनेस ऑल्सो कवर्स इंटर कॉर्पोरेट रिलेशनशिप. बिजनेस इज पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड बिजनेस फॉर्म्स अफेक्ट एवरी डे ह्यूमन लाइफ. सो अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट स्ट्रेंज इटसेल्फ फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ गुड एंड बैड of business and applies to all the decision making and operational activities. I hope this particular topic is quite clear to everyone. Let's move ahead towards the principle of business ethics. Now, what are the principles of business ethics? An organization follows dubious and unethical business practices might tarnish its reputation and experience failure in long term. कहने का तात्पर्य यह है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस करती है, या जो बिजनेस प्रैक्टिसेस के प्रिंसिपल्स वैल्यूज को नहीं फॉलो करती है, वो एक्चुअली अपने आप को ट्रैनिश यानी कि खत्म कर देती है, अपने रेपुटेशन को खत्म कर देती है, और एक्सपीरियंस
कस्टमर के एक्सपीरियंस को के फेलियर को भी फेस करती है लॉन्ग टर्म में. थस एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ स्टैंडर्ड कोड ऑफ एथिक्स. जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी बताया कि ये पार्ट कोड ऑफ एथिक्स का, ये कोड ऑफ एथिक्स का पार्ट बहुत बहुत क्रूशियल और इम्पोर्टेंट है किसी के लिए भी. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोड ऑफ कंडक्ट जो होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और जरूरी है कि ये एक्चुअली स्टैंडर्ड हो सबके लिए, यानी कि सेम हो. नाउ देयर आर फ्यू कोड ऑफ कंडक्ट विच इज ऑल्सो यूनिवर्सल, जो हर एक संस्था के लिए सेम होती है, हर एक ब्रांच के लिए सेम होती है, पर देयर आर कोड ऑफ कंडक्ट जो सिमिलर नहीं हो सकते हैं, यूनिवर्सल नहीं होते हैं सबके लिए, बट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे या किसी भी कॉर्पोरेट लेवल पे या बिजनेस इंस्टीट्यूशन लेवल पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये सबके लिए सिमिलर ही रहे. नाउ प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स आर यूनिवर्सल, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, एंड एक्सप्रेस द हाईएस्ट लेवल ऑफ जनरलिटी ऑफ स्टैंडर्ड एंड एक्चुअली एक्ट एज द फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट, एज अ फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट. नाउ फ्रॉम वेरी बिगिनिंग इटसेल्फ अ फर्म और अ ब्रांच और अ बिजनेस इंस्टीट्यूशन मस्ट रिकॉग्नाइज द बिजनेस एथिक्स. They should learn about the business ethics in the, from the beginning itself as a tool of desired result. अब मुझे जो result चाहिए होगा उसके लिए मुझे preparation तो पहले से करनी पड़ेगी. जरूरी है कि जो rules और regulation मैं create करूँ अपनी company के लिए वो वैसे ही हो, क्योंकि उसका outcome या उसका result उसी के अनुरूप मिलेगा मुझे, है ना. तो ये बहुत important है कि business ethics बहुत इनिशियल फेज में जब कोई फर्म या बिजनेस क्रिएट हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तभी बना दिया जाए, क्योंकि वो डिफाइन करेगा कि कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल होगी, सक्सेस होगी या नहीं होगी, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट वैसे होते हैं. एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कोड ऑफ कंडक्ट का. कोड ऑफ कंडक्ट लाइक नॉट बीइंग इन विद अ रिलेशनशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट है कि आप किसी भी तरह के रिश्ते में नहीं रह सकते हो जब आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो. ये कोड ऑफ कंडक्ट है और ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम होता है. दूसरा कोड ऑफ कंडक्ट मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप फॉर्मल कपड़े पहनेंगे, ये कोड ऑफ कंडक्ट हुआ, ये सबके लिए सेम होगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम हुआ. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए जिससे एक्चुअली पता चलता है. जैसे ब्रांच होती है आपकी, तो ब्रांच में मिनिमम आपको वीकडेज में 4 घंटे सर्व करना है. ये हुआ कोड ऑफ कंडक्ट कि आपको मिनिमम 4 घंटे देना पड़ेगा कस्टमर को या ओपन करके रखना पड़ेगा. ये हो गया हमारा कोड ऑफ कंडक्ट और ये सबके लिए सिमिलर रहेगा. और ये एक्चुअली बताता है कि फ्यूचर में जो कंपनी है या ब्रांच है वो प्रॉफिटेबल होगी, सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी. मूविंग टूवर्ड्स टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट कुछ पॉइंट नोट डाउन किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस कोड ऑफ कंडक्ट को मेंटेन करने के लिए या प्रिंसिपल्स मेंटेन करने के लिए बिजनेस एथिक्स के, जो कि हम काफी लंबे समय से समझते हुए आ रहे हैं, जो कि है डिग्निटी. अब डिग्निटी किसी भी लाइफ स्टाइल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ग्रुप के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पूरे नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक दूसरे से बहुत डिग्निटी के साथ पेश है. द इम्पोर्टेंस प्रिंसिपल टू ट्रीट अदर विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ द डिफरेंस. मे बी हमारे हमारी प्रांत नहीं मिलते हैं, या हो सकता है एक मेल है, एक फीमेल है, या हो सकता है एक दिव्यांग है, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एक दूसरे के साथ बहुत ही अटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ और बिना किसी इन डिफरेंस के डील करें. जो भी लोग होते हैं दे शुड बी ट्रीटेड इक्वल विदाउट एनी इंडिफरेंस ऑफ देयर कास्ट, देयर क्रीड, देयर कलर, प्रोबेबली देयर सेक्स, रेस और एनी नेशनल ओरिजिन. एम्प्लॉयज शुड नॉट बी कंसिडर्ड जस्ट एज अ मींस टू एन एंड इन डीलिंग विद द कस्टमर. द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव शुड बी द कस्टमर इंटरेस्ट एंड नॉट जस्ट मेकिंग अप द प्रॉफिट.
to treat others the way you should like to be treated. It is very important in general life also कि आप ऐसा ही अनुकूल व्यवहार दूसरे के साथ करें जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करते हैं. मैं अगर आपको रेस्पेक्ट दूंगी, आपसे आप करके बात करूंगी, तो आप भी मुझसे आप करके ही बात करेंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए ना समझें, जबकि हमारा एंड रिजल्ट या एंड गोल होना चाहिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन. और इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है या बहुत क्रूशियल है कि हम एक दूसरे को बहुत ही सिमिलर वे में ट्रीट करें एक दूसरे के साथ. एंड एवरीवन शुड बी ट्रीटेड रिगार्डलेस ऑफ देयर सेक्स, रेस और एनी ऑफ द नेशनल ओरिजिनल. फेयरनेस ना, फेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट एनी ऑफ द कंसर्न विद एक्शन और प्रोसेस और कॉन्सिक्वेंसेज दैट आर मोरालिटी आर राइट ऑनरेबल एंड इक्विटेबल. Fairness establishes more standards of decision affecting others. It does not mean that everybody gets what they want, but everybody has an equal opportunity to benefit it. Fairness is when everyone is treated equally and no one is left out. Fairness is competitive. Competition provides level playing field to all the firms in the industry. A company should not conspire with anyone to lessen fair competition or engage in any anti-competitive practices such as price fixing or bid rig. Now, let's understand this in a simple language. मान लेते हैं कि आपकी कंपनी में या आपकी ब्रांच में सबको एक तरीके से नहीं समझा जा रहा है, सबको सिमिलर तरीके से डिग्निटी के साथ नहीं ट्रीट किया जा रहा है. मान लेते हैं दो लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इंटरनल जॉब पोस्टिंग के थ्रू आगे बढ़ जाइए एग्जाम के पीछे, और बाकी पांच लोगों को नहीं मिलती. आपको नहीं लगता कि ये फेयर नहीं होगा उनके लिए? अपॉर्चुनिटी तो सबको मिलना चाहिए, राइट? तो वो मोरली राइट होगा, वो ऑनरेबल होगा, वो इक्विटेबल होगा. यही हम समझना चाहते हैं इस पॉइंट के साथ, विच इज फेयरनेस. नाउ ऑनेस्टी, इट मीन्स दैट being truthful and straightforward. Honesty बहुत important होती है life में, वैसे ही एक large organization को link करने के लिए और उसको manage करने के लिए भी बहुत important है कि एक employee अपने customer से सच बोले या honest रहे, एक customer अपने employee के साथ सच रहे, सत्यता से व्यवहार करे, और साथ में जो team है वो भी एक दूसरे के साथ honesty के साथ ही behave करे. Similar to that, openness is also very important. Reputation, making up the goodwill is also very important. It is one of the important asset of any of the business. And also, this is one of the most difficult part. Jo rebuild karna bahut mushkil ho jata hai jab ek baar ho jata hai. So reputation bhi ek bahut important factor hai. Prudence bahut important factor hai. Aur ye samajhna ki dusron ka concern क्या है. एवरी बिजनेस एक्चुअली टेक्स बर्थ, जन्म लेती है, सर्वाइव करते हैं, ग्रो करते हैं विद कंसेंट एंड कोऑपरेशन ऑफ द एंटायर सोसाइटी. सो हेंस कंसर्न्स फॉर अदर्स आर आल्सो वेरी क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट. जैसे कि मैंने आपको बताया था, ट्रस्टीशिप की फिलॉसफी हम आज समझने वाले हैं. महात्मा गांधी ने एक्सप्लेन किया था कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनको ये समझने की जरूरत है कि जो वेल्थ है जो उनके हाथ में है, जो वेल्थ या जो पैसे उनके हाथ में है, ये फ्रूट है या रिजल्ट है हार्डवर्क के, एफर्ट्स के, सैक्रिफाइसेस के, उन वर्कर्स के या अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो इस सेक्शन में सोसाइटी में रहते हैं. द कैपिटलिस्ट देयरफॉर शुड एक्ट एज अ ट्रस्टी. जो सिर्फ पैसे रखता है उसको ट्रस्टी बोला जाता है. तो पीटर सिंगर हैज स्ट्रॉन्गली अपोज्ड अ सिमिलर व्यू दैट ईच ऑफ अस विद हेल्थ सरप्लस टू हिज और एसेंशियल नीड शुड बी गिविंग मोस्ट ऑफ इट. एंड द पीपल सफरिंग फ्रॉम पुअर्टी या गरीबी से जो लड़ रहे हैं सो डायर एज टू लाइफ थ्रेटनिंग विच इज वेरी difficult for anyone to survive, hence we should act being a capitalist as a trustee instead of behaving like you own that money. This philosophy of trusteeship has its origin. Ish aayi kahan se hai? Bhagavad Gita se hai, which tells about aparigraha, non-possession and nishkam karma yoga, selfless work.
So being into financial institution, you being a manager, it is very important that you do selfless work for your team, for your organization. Trustees have to create, preserve, and increase wealth without expecting the enjoyment of the health. I hope everyone have had a brief understanding on these particular points or not. I'm not going to explain about this. Business ethics practices in Indian corporate governance. Now, Bharatiya corporate governance mein naitikta ka abhyas or practice of ethics एक बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका रखता है. यह व्यापारिक संगठनों को नैतिकता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, दायित्वपूर्ण नियंत्रण, सामाजिक जिम्मेदारी और मानकों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है. ये एक्चुअली नैतिक मूल्य, बेसिक वैल्यूज, द इंटीजरल वैल्यूज को प्रोत्साहित करता है और उच्चतम व्यापारिक मानकों के आदर्शों के साथ एक सदर्ण बैंकिंग और वित्तीय सेक्टर की नींव बनाता है. हेंस इफ यू लुक एट हियर, एथिक्स आर बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन बिजनेस व्हिच वाज इवॉल्वड इन 1980s. द फॉलोइंग राइज ऑफ करप्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस, मेजर अनएथिकल इश्यूज वर आल्सो ऑन राइज सच एज ब्राइबरी, डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग, प्राइस कल्यूजन, प्रोडक्ट हजार्ड and environment collusion, degradation as well. Now, in India, with the formation of SEBI back in 1992 and addition of Clause 49, listening agreement in 2005, business ethics gained the center stage of business operations. Several committees have been set up. The latest was the Uday Kotak Committee set up by SEBI. एथिकल क्राइसिस क्या होते हैं या ऑक्सीमोरन क्या होते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे पूछा था और अभी मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगी. पहले हम समझते हैं कि नैतिक संकट यानी कि एथिकल क्राइसिस क्या होती है. ये एक ऐसी स्थिति होती है जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी समुदाय, ग्रुप या संगठन नैतिकता के मूल्यों और मान्यताओं के खिलाफ कार्यवाही करते और इससे नैतिकता की स्थिति पर संकट उत्पन्न होता है. इससे नैतिकता के मानव समाज या संगठन के विश्वास, आदर्शता और सम्मान में क्षति हो सकती है. ये संगठन नैतिक मूल्यों के उल्लंघन, भ्रष्टाचार, विश्वासघात, अनुचित व्यवहार या अवैध कार्यों से उत्पन्न हो सकता है. ये होता है एथिकल क्राइसिस, जो ऐसी किसी भी सिचुएशंस में होता है, जैसे कि मूल्यों का उल्लंघन, उन वैल्यूज को ना समझना, भ्रष्टाचार करना, विश्वासघात करना, अनुचित व्यवहार ना करना या अवैध कार्यों से उत्पन्न हो सकता है. नाउ ऑक्सीमोरन क्या होता है? ये एक ऐसा शब्द है जिसमें दो प्रतिस्पर्धिक शब्द होते हैं या विरोधी शब्द होते हैं, इसको मिलाकर एक विषम अर्थ बनता है. ये दो शब्द का संयोजन होता है और जो आपस में प्रक्रियाशील होते हैं, उदाहरण के रूप में शांतिपूर्ण हड़ताल. Don't you think it's an oxymoron? दोनों बहुत पॉसिबल नहीं है कि शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी हड़ताल करता हो. मित्र दुश्मन, जो मित्र है वो दुश्मन नहीं हो सकता, जो दुश्मन है वो मित्र नहीं हो सकता, इसीलिए इसको ऑक्सीमोरन बोलते हैं. और जीवित मृत्यु, ये भी दोनों पॉसिबल नहीं है साथ में, इन जैसे शब्दों को ऑक्सीमोरन बोला जाता है. तो कहने का तात्पर्य क्या है कि एथिकल क्राइसिस क्या होते हैं, पहले तो हमने ये समझा, और बिजनेस एथिक्स को कंटिन्यू रखते हुए या सर्च करते हुए, क्या ये एक ऑक्सीमोरन है? ऑक्सीमोरन यानी कि ऐसे दो शब्द जो एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं या अपोजिट होते हैं या तो एंटोनिम्स होते हैं एक दूसरे के. तो क्या ऐसा है कि एथिकल प्रैक्टिसेस या एथिकल वैल्यूज होना या बिजनेस एथिक्स को समझना या साझा करना या कंटिन्यू करना या डिलीवर करना पॉसिबल नहीं है? ऑक्सीमोरन है, बिजनेस साथ में हो ही नहीं सकता. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. आगे बढ़ते हैं जहां पे हम समझेंगे कि प्री क्राइसिस स्टेज क्या होता है, पूर्व संकट चरण क्या होता है. ये एक ऐसा समय होता है, ऐसा वक्त होता है जब कंपनी को लगता है कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है. मुख्य फोकस होता है
प्रॉफिट अर्न करने में या लाभ कमाने में, और एक संगठन को इसी चरण में संगठन के प्रतिष्ठान के लिए कदम उठाने चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ क्राइसिस, विसिल ब्लोअर पॉलिसी। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अ मैनेजर इज हाउ टू आइडेंटिफाई द क्राइसिस इन टाइम एंड टू प्रिवेंट इट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे एक नए मैनेजर को बड़ा मुश्किल होता है ये समझना कि क्राइसिस किस सिचुएशन में आया है, उसको इन टाइम समझना कैसा है और उसको प्रिवेंट कैसे करना है। इट इज फॉर प्रिवेंटिंग एन एथिकल क्राइसिस ड्यू टू द इंटरनल रीजन। एथिकल ऑडिट एट रेगुलर इंटरवल्स आर यूजफुल, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द वीक एथिकल एरिया। वक्त वक्त में हमें एनालाइजेशन या इवैल्यूएशन करना चाहिए एथिकल क्राइसिस के बारे में, या ऐसे रेगुलर इंटरवेंशन पे ऑडिट करने चाहिए जिसमें हमें एक्चुअली क्लैरिटी मिले कि वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं या कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो हो रहा है आपकी टीम में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं। स्क्रीनिंग इंटरनली कवर्ड एरिया लाइक रिलेशनशिप विद द स्टेक होल्डर्स, चाहे वो बाहरी इंटरनल स्टेक होल्डर्स हो या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हो, इट एक्चुअली कवर्ड दैट एरिया। इट ऑल्सो कवर्स दैट एरिया वेर यू आर एक्चुअली मैनेजिंग एंड लुकिंग अप द कंप्लेंट अबाउट द प्रोडक्ट विच यू आर डीलिंग इन, सर्विसिंग द क्वालिटी, एंड दैट कैन एक्चुअली जियो पैराडाइज द रेप्यूटेशन ऑफ एनी ऑफ द कंपनी वेन इट कम्स टू अनएथिकल प्रैक्टिसेस। नाउ विसल ब्लोअर पॉलिसी इज समथिंग वेर द ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली विसल ब्लोज और अंडरस्टैंड एंड लर्न द पॉलिसी दैट कैन एक्चुअली हेल्प इन अवॉइडिंग द बिगर क्राइसिस और द मेजर क्राइसिस। इसको बोलते हैं विसल ब्लोअर पॉलिसी। द ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्या है कि हम ऑब्जेक्टिव समझे इसका, कि इट इज बेसिकली टू एनकरेज द एम्प्लॉयज, कस्टमर्स और जनरल पब्लिक टोम टू फॉरवर्ड एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू एनी अनएथिकल और इलीगल प्रैक्टिसेस, जैसे कि ब्राइब देना, फ्रॉड करना, इस तरह की चीजें होती हैं। Now let's move forward towards the next part. अब यहाँ पे हम समझेंगे एक्चुअली कि ये संकट का प्रारंभ होता कहाँ है। ये समझना जरूरी है कि जस्ट मोमेंट हाँ जी ये समझना जरूरी है कि क्राइसिस सिचुएशन होती क्या है। ये संकट को प्रारंभ करने वाली घटना होती है जब एक मुख्य कर्जदाता, उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं किंगफिशर एयरलाइंस, आप सबने उसके बारे में समझा होगा, सुना होगा, व्यापार की असफलता की घोषणा करता है, तो बैंक को इसी एक संकट घटना के रूप में मान्यता देनी चाहिए। इसी को एथिकल क्राइसिस बोलते हैं। नैतिक नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि वह पहले ही संकट की पहचान करते हैं और सतर्क करते हैं कि संगठन खतरे में है। संकट की स्थिति को पहचानने के बाद नेता को संकट प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन की शुरुआत करनी चाहिए, संकट प्रबंधन टीम को सम्मिलित करना चाहिए और हानि को नियंत्रित करने के और ध्यान केंद्रित करना चाहिए। संकट स्थिति में विभिन्न हितधारकों के साथ संचार की प्रमुख जिम्मेदारियां मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ की होती है। अब समझते हैं हम कि पोस्ट क्राइसिस स्टेज क्या होता है। जब ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली ओवरकम करने की कोशिश करती है क्राइसिस को, उसको बोलते हैं पोस्ट क्राइसिस स्टेज। इट स्टार्ट बाय एनालाइजिंग और समझने किससे स्टार्ट होता है, द की रीजन अबाउट द सिचुएशन थ्रू इन्वेस्टिगेशन। दिस इज बेसिकली वाइटल फॉर एनी ऑफ द लीडरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी न्यू मैनेजर के लिए या नए लीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये समझना कि कब प्री क्राइसिस है, कब क्राइसिस है और कब पोस्ट क्राइसिस है किसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, क्योंकि उसको ट्रस्टी की तरह बिहेव करना होता है और स्टेक होल्डर को रिपोर्ट करना होता है। आगे बढ़ते हैं, अंतिम क्षण है हमारे इस डिस्कशन का जहां पे हम एक्चुअली समझेंगे कि हेलो एम आई ऑडिबल, आई होप आई एम ऑडिबल टू यू गाइस। यहाँ पे हम इन अ नटशेल समझेंगे कि व्यापारिक नैतिकताओं के बारे में विचारों में भ्रम उत्पन्न किया जाता है
क्या व्यापारिक क्षेत्र, जैसे कि हमने आगे डिस्कस किया था कि ऑक्सीमोरन क्या होता है, भ्रम उत्पन्न किया जाता है कि क्या व्यापारिक क्षेत्र में नैतिकता और लाभ की मुख्यता एक साथ चल सकती है। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि व्यापारिक दुनिया में सिर्फ लाभ को महत्व दिया जाता है और इसलिए व्यापारिक नैतिकता मानसिकता में विरोधी होता है। वहीं दूसरे विचारधाराओं के अनुकूल नैतिक व्यवहार और उच्चतम मानकों के पालक से व्यापारिक सफलता और सुधार हो सकते हैं। इसीलिए यह प्रश्न का उत्तर अपेक्षाकृत व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा कि बिजनेस एथिक्स ऑक्सीमोरन यानी कि विरोधाभास होते हैं या नहीं होते। अंतिम क्षणों की तरफ बढ़ते हुए हम समझते हैं कि नेक्स्ट सेशन में हम क्या क्या समझेंगे। हम समझेंगे एथिकल फाउंडेशन ऑफ बैंकिंग के बारे में, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल बैंकिंग, एंड लाइक दैट देयर आर फ्यू स्टेटमेंट्स व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप द एंटायर कॉन्वर्सेशन वॉज फ्रूटफुल और ये सेशन काफी महत्वपूर्ण था आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप लोग ने एक नया टॉपिक समझा और अपने आप को अपस्किल किया। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। विजय जी, आपको कैरी फॉरवर्ड करना चाहूंगी, ओवर टू यू। एम आई ऑडिबल? विजय जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अविनाश जी, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। जस्ट अ मोमेंट, प्रेजेंटिंग अप माई स्क्रीन। विजय सर, क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हेलो मुस्कान जी, कैसे हैं? वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच सर, वेरी गुड इवनिंग। आई एम डूइंग गुड, आई होप यू डूइंग गुड टू। ओके ओके, मैं अभी देख पा रहा हूँ आपका स्क्रीन भी विजिबल है, आप भी बहुत विजिबल हैं, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, वेल कनेक्टिंग वॉइस है, आप अच्छे से चीजों को बताए होंगे। हालांकि मैं अभी सेशन नहीं देख पाया हूँ, बट विजिबल है बहुत, बाद में इसको देख के फिर मैं आपको फीडबैक दे पाऊंगा। हमारे हमारे ये छोटा परिवार अभी जुड़ा है आपके साथ, लेकिन इनमें जो आप नॉलेज शेयर कर रहे हैं एथिक्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल जो दे रहे हैं, इससे इनके प्रोफेशनलिज्म पे सीधा असर करेगा। और ये जो जिस जगह एक बड़ी जिम्मेदारी को काम करते हैं उसको ट्रिगर आउट कर पाएगा। एक्चुअल में ये जो एथिकल चीजें जो आप बता रहे हैं, इनको इसको प्रैक्टिस करनी होगी और प्रैक्टिकल तरीके से उनको जो अपने फील्ड में उतारना होगा। तो इसमें क्या होगा, ये जो नॉलेज दे रहे हैं ये तो एग्जाम के लिए दे रहे हैं, एग्जाम में इनको ये पॉइंट्स आएंगे तो ये क्लियर करेंगे, ठीक है। बट मैं इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट देख पाता हूँ। लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये होता है कि ये जो एथिकल प्रैक्टिस है ये सोसाइटी में एक इमेज क्रिएट करता है, एक ऑफिसर का एक इमेज क्रिएट करता है, और वो उनको बिजनेस देता है और एक सस्टेनेबल बिजनेस मिलता है। लोग जुड़ना चाहते हैं आपसे, एक एथिक्स होता है आपके अंदर, और हम पूरी दुनिया को जोड़ सकते हैं, ग्लोबल है, हमारे बिजनेस कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होता है, एक एथिक्स होता है, एक नैतिक जिम्मेदारी, बोले ना आपने, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आप एकदम नैतिकता और इसकी बात करते हैं, है ना। तो वो नैतिकता आपका एक सामर्थ्य होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए। लेकिन जो टर्मिनोलॉजी आप बता रहे हैं ये इनके लिए नया होगा, हमारे साथियों के लिए, लेकिन इस टर्मिनोलॉजी को याद करेंगे प्रमोशन एग्जाम्स के लिए। साथ में जब इस सेशन को रिपीट देखेंगे तो वो चीजें एक बार में कोई चीज पूरी तरह से समझ नहीं आती है। तो ये एथिकल फाउंडेशन है और हमने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है मुस्कान जी। आप जिस तरह से खुद नाम है आपका मुस्कान, आप मुस्कुराते हैं तो एक हॉस्पिटलिटी दिखता है एक अच्छा, और ये पहला ही सिंगार होना चाहिए एक बैंकर का, हॉस्पिटलिटी, क्योंकि हम क्या करते हैं, कस्टमर को एक्सेप्ट करते हैं, है ना, एक्सेप्ट करते हैं।
क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि एक ब्रिज बनेगा, एक रिलेशनशिप बनेगा, तभी तो। जैसे मुस्कान जी के साथ, मैं एक बैंकर हूँ, मुस्कान जी अगर एक कस्टमर है, दोनों का जो एक ब्रिज बनेगा, रिलेशनशिप बनेगा, तब तो आपका करोड़ रुपए मेरा होगा, मेरा 100 करोड़ रुपए आपका होगा। जब आपको जरूरत होगी तो आप हमारे पास आओगे, 100 करोड़ ले जाओगे, इंडस्ट्री लगा दोगे, है ना। तो ये एथिकल जो प्रिंसिपल है जो बैंकिंग का, इसके बहुत सारे आयाम हैं। आगे भी अगले सेशंस में आप साथियों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और मुझे लगता है कि आप काफ़ी अच्छा पढ़े हुए हैं और आप प्रैक्टिकल एचआर में काम करते हैं, तो आपको ज़्यादा इसके बारे में थोड़ा सा संज्ञान होता है ना। एक संज्ञान होता है, एक ज्ञान होता है और एक सम्यक ज्ञान होता है, तो वो संज्ञान रहता है। मतलब संज्ञान का मतलब क्या है? चीजें आसपास चलती रहती हैं, उनका ज्ञान होता है, उसको संज्ञान बोलते हैं। हाँ जी। इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो आपको कैसा लगा, आपको अच्छा लगा सेशन? जी सर, मुझे बहुत अच्छा लगा काफी सारे लोगों से मिलकर, उनको समझा के अपनी एक्सपर्टीज देने की के लिए मैंने कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम मैनेजर बनेंगे, जिनके पास अपनी खुद की टीम होगी, उनको कोड ऑफ कंडक्ट समझने की बहुत जरूरत है, उन्हें समझने की जरूरत है कि क्यों हम हमारे जिंदगी में वैल्यूज या एथिक्स को रिटेन करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देम कि क्यों वो छोटी छोटी चीजों के बारे में ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी होती है जब उनकी टीम होती है या वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, क्योंकि वो कोड ऑफ कंडक्ट बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, कस्टमर इंटरेक्शन के लिए। तो जो टॉपिक आज हमने पढ़ा वो बहुत क्रूशियल था, बहुत इंपॉर्टेंट था किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में समझने के लिए जो या तो मैनेजर बनना चाहता है या मैनेजर है या ऐसी किसी भी कंपनी में काम करता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है इकोनॉमी में। तो सेशन बहुत फ्रूटफुल लगा मुझको, काफी सारे लोग थे जिन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया जब मुझे जरूरत पड़ी, जैसे कि बबरू जी हो गए, सुरेश जी हो गए। बाकी मैं बहुत आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू गेट द फीडबैक फ्रॉम दीज पीपल, स्पेशली जिन्होंने पूरा सेशन एक्चुअली समझा है या पढ़ा है। गाइस, मैं आप लोगों से चाहूंगी कि आप एक छोटा सा कमेंट प्लीज चैट बॉक्स में करें। आपके सेशन से मेरे को एक बात याद आ रही है कि आपके पास आने वाला जो व्यक्ति वो ग्राहक होता है। क्या बोला मैंने? आपके पास आने वाला जो व्यक्ति वो ग्राहक होता है, और उसका हमेशा आप सम्मान करो, क्योंकि वो आपके बिजनेस का वाहक होता है। बिल्कुल सही बात है सर। तो आप जो है हमारे साथियों के लिए ये कंक्लूड कर दीजिए, उनसे भी फीडबैक ले लीजिए, फिर उसके बाद जो है हम लोग अगली, ये से लास्ट स्लाइड है आपका? हाँ जी सर, यही लास्ट स्लाइड है। ओके ओके, थैंक यू सो मच राजीव नयन जी। आई एम ग्लैड टू लुक एट द ब्यूटीफुल कमेंट जहाँ पे आपने बताया कि बहुत ही फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन था, ये सेशन था। आप बाकी जनों से भी चाहूंगी कि आप लोग भी अपना संक्षिप्त फीडबैक दें, जिससे मैं समझ सकूं कि क्या मैं करेक्ट डायरेक्शन में जा रही हूं, या ऐसी कोई भी चीज जो आप चाहते हैं कि मैं अपने नेक्स्ट सेशन में एड ऑन करूँ, जिससे आपको और हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच बबलू यादव जी, आपने लिखा है नाइस सेशन, इट इज एन अमेजिंग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, थैंक यू सो मच। जी विजय जी, मेरे साइड से मैं एंड करती हूँ इस सेशन का, और धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए बैंकिंग ज्ञान के लिए। आप पहली बार सेशन में आए हैं तो आपका धन्यवाद कराएंगे हम। कोई साथी हैं जो माइक ऑन करके मुस्कान जी का वेलकम कर दीजिए और थोड़ा सा धन्यवाद कर दीजिए। और ये आखिरी स्लाइड एक थैंक यू वाला स्लाइड नहीं क्या आपके उसमें? सर यहाँ पे ये थैंक यू भी है, बट थैंक यू एक्चुअली छोटा है, मैंने नेक्स्ट सेशन के टॉपिक जो है उनको ब्रीफ में रखा था। ओके ओके ओके, ठीक है। तो एक बबलू जी या एक कोई राजू नयन जी, कोई भी थोड़ा ऑन करके थोड़ा कर दीजिए जरा। हाँ जी, कोई साथी हैं? बहुत अच्छा सेशन रहा मैम, आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। अच्छा, ये कोट को पढ़ दो बबलू, ये कोट पढ़ दो, कोट पढ़ो। नशा मेहनत की करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे, बहुत अच्छा कोट है सर। ओके ओके, बहुत बढ़िया है।
मैडम से रिक्वेस्ट कर दो कि मैडम आप अगला सेशन भी लेते रहिएगा जब भी आपको समय मिले। मैडम का सर समझाने का तरीका बहुत अच्छा है और कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा है, और आगे भी मैडम नेक्स्ट सेशन में भी इसी तरह से अच्छे तरीके से समझा पाएंगी, ये हम लोगों को उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी, आप हमारे साथियों के लिए समय निकालिए, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे साथी जो हैं कितने अच्छे से पढ़ेंगे, आप आगे आने वाले सेशन में सही रहेगा। तो आपका माइक बंद हो गया। जी, थैंक यू सो मच। मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं आप सबसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको अपना बेस्ट डिलीवर कर सकूँ। आप सबको जितनी हेल्प हो सकेगी मेरे साइड से, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप सबको संक्षिप्त में अच्छे से वर्णन करके बताया जा सके, जिससे वो सिर्फ एक लिखी हुई भाषा ना हो, जबकि वो ऐसी कुछ चीजें हो जो आपके पर्सनल वैल्यूज में इनबिल्ट हो जाए। तो मेरा ओवर एंड अबव पूरा स्टेटमेंट या पूरा दिमाग में संचारित ही बात का रहेगा कि मैं पूरी तरह से आपकी हेल्प कर सकूं और आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकूं। एक कोट के साथ इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। आपने इतने अच्छे से एथिकल वैल्यू सिखाया हमारे साथियों को, तो साथियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्राहक ही भगवान होता है, और ग्राहक को जो मुस्कुराहट के साथ उनकी सेवा दे दे, वही सबसे ज्यादा धनवान होता है, वही सबसे ज्यादा धनवान होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये सेशन कंक्लूड करते हैं। आप सभी साथी 10:30 मतलब 15 मिनट के ब्रेक के बाद थोड़ा डिनर वगैरह कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सेशन में तैयार रहिए। आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता के साथ मुस्कान जी हमसे विदा ले रही हैं। फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। गुड नाइट।